आइए, आपका स्वागत है। आज मैं आपको सोमैटो फॉर्म डिसऑर्डर के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सोमैटो फॉर्म डिसऑर्डर यह एक ग्रुप है, इसमें अलग अलग अनेक सारी बीमारियाँ इकट्ठा की हुई है, और वह ग्रुप में वो बीमारियाँ मतलब इकट्ठा करके बोली जाती है सोमैटो फॉर्म डिसऑर्डर है। इसमें क्या क्या मेन चीज़ है? एक मेन चीज़ ऐसे है कि इसमें शारीरिक लक्षण बहुत रहते हैं, जो कि कोई भी शारीरिक बीमारी से एक्सप्लेन स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता। मतलब कोई भी शारीरिक बीमारी है ऐसा लगता नहीं है, कोई भी शारीरिक बीमारी मौजूद नहीं, मगर लक्षण पूरे के पूरे शारीरिक है। और पूरे लक्षण जो है वो कोई नशा पानी करके नहीं आने को होना। नेक्स्ट इसमें आइटम यह है कि ये जानबूझकर लक्षण पैदा नहीं किए जाते। वो व्यक्ति ने उसको सच्ची लक्षण रहते, पूरे बदन के लक्षण रहते, शारीरिक लक्षण है पूरे, मगर कोई शारीरिक बीमारी डायग्नोज नहीं होती, कोई निदान नहीं किया जाता कि ये शारीरिक बीमारी है, लक्षण शारीरिक है। ये जानबूझकर वो आदमी पैदा नहीं करता ये लक्षण, और इसमें दूसरी कोई भी मानसिक बीमारी नहीं होती। तो लक्षण शारीरिक है, जानबूझ के पैदा नहीं किए जाते लक्षण, दूसरी कोई मानसिक बीमारी नहीं होती है, और कोई नशा पानी करके ये लक्षण दिखने को नहीं होना। ऐसे जब होते हैं और पूरी जांच पड़ताल करने के बावजूद भी इसमें कुछ निकलता नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई जांच पड़ताल में कुछ भी समस्या बदन में दिखाई देती नहीं है, मगर लक्षण पूरे शारीरिक रहते हैं। अब इसमें 7 अलग अलग बीमारियाँ हैं, 7। एक नंबर एक है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, नंबर दो है अनडिफ्रेंशिएटेड सोमैटो फॉर्म डिसऑर्डर, फिर से बोलता हूँ मैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सोमैटो फॉर्म डिसऑर्डर, नंबर तीन कन्वर्शन डिसऑर्डर, नंबर चार पेन डिसऑर्डर, नंबर पाँच हाइपोकॉन्ड्रियासिस, नंबर छः बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, नंबर सात सोमैटो फॉर्म डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो ऐसे ये अलग अलग ग्रुप है, मतलब ये ग्रुप है, ये ग्रुप में अलग अलग डायग्नोसिस है, अलग अलग बीमारियाँ इकट्ठा की हुई, और जो अलग 7 बीमारियाँ इकट्ठा की हुई उसको उन्होंने नाम दिया है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। अब इसके बाद में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर क्या होता है उसके बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।